नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ इजी चैनल में। और आज हम समझने वाले हैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। 498A इसे दहेज प्रताड़ना की धारा भी कहा जाता है, और यह धारा इसलिए कंट्रोवर्शियल भी क्योंकि इस धारा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। तो आइए समझते हैं ये 498A धारा है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 498A आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 498 के बारे में। सबसे पहले हम सभी को पता है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड हमारे देश का पिनल लॉ है, मतलब हमारे देश का दांडिक कानून है। एक ऐसा कानून जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों की व्याख्या की गई है, जैसे शरीर के खिलाफ अपराध, शरीर के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध हैं, चोट है, किडनैपिंग है, मर्डर है, ये सब बताए गए हैं। प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध बताए गए हैं, प्रॉपर्टी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, ये विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए। इसी प्रकार से राज्य के खिलाफ अपराध, देशद्रोह, सेना को भड़काना, ऐसे विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए। ठीक इसी प्रकार विवाह संबंधित अपराध भी बताए गए, विवाह मतलब मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस भी बताए गए। तो आईपीसी हमारे देश का दांडिक कानून है, पीनल लॉ है, और इसमें विभिन्न प्रकार के ऑफेंसेस मीन्स अपराध बताए गए हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 511 सेक्शन। और आईपीसी में कुल मिला के हमारे देश की जो दांडिक कानून है उसमें 511 धारा है। इन 511 धाराओं में आईपीसी जो है कुल मिला के 23 चैप्टर्स में यानी 23 अध्यायों में भी बटी हुई है। और इसका जो अध्याय नंबर 20 है, चैप्टर 20 में विवाह संबंधित अपराध बताए गए। विवाह संबंधित यानी शादी से संबंधित अपराध। अभी शादी से संबंधित अपराध जो है धारा 493 से 498 तक है। और 1983 में हमारी संसद ने संशोधन किया और संशोधन करके एक चैप्टर और जोड़ दिया, चैप्टर 20A, जो कि ये दहेज प्रताड़ना जो है वो शादी से संबंधित है, इसलिए विवाह संबंधित अपराधों में जोड़ दिया गया, चैप्टर नंबर 20 है, और एक नई धारा जोड़ दी गई 498A। अभी 498A धारा क्या है और इसका कितना ज्यादा मिसयूज होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कहता है कि हमारे देश में विवाह के उपरांत यानी आफ्टर मैरिज अनेक महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है पति द्वारा और इन लॉज द्वारा। पति और इन लॉज यानी सास, ससुर, ननंद, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं को रिलीफ देने के लिए, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए 498A की आवश्यकता महसूस की गई और हमारी संसद ने एक धारा जोड़ी जिसका नाम है 498A। ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति विवाहिता महिला से वायलेंस करता है, मतलब हिंसा करता है, या क्रुएल्टी करता है, क्रुएल्टी का मतलब क्रूरता होता है मित्रों, और क्रुएल्टी दोनों प्रकार की हो सकती है, शारीरिक क्रूरता भी होती है और मानसिक क्रूरता भी होती है। मानसिक रूप से ताने देना, शारीरिक रूप से मारपीट करना, विवाहिता स्त्री को दहेज को लेकर परेशान करना, या ऐसा कोई व्यवहार करना जिससे महिला आत्महत्या के लिए प्रेरित हो, तो हस्बैंड और रिलेटिव यानी पति और उसके नातेदारों द्वारा यदि महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्रूरता की जाती है, शारीरिक मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, या उसे इस प्रकार से परेशान किया जाता है कि महिला प्रोत्साहित होती है कि अपनी लाइफ खत्म कर दे, मतलब सुसाइड के लिए आगे बढ़ रही है, तो ये जो बातें हैं ये क्रूरता की श्रेणी में आती है और इसको अपराध घोषित कर दिया गया। और इसमें 3 साल का दंड बताया गया कि जो कोई व्यक्ति महिला के साथ इस प्रकार का आचरण करेगा वो क्रुएल्टी कहलाएगा। 498A क्रुएल्टी के लिए पनिशमेंट देती है, क्रुएल्टी मीन्स क्रूरता के लिए 3 साल की सजा और जुर्माना बताती है। और इसमें क्रुएल्टी को परिभाषित किया गया है, क्रुएल्टी में समस्त प्रकार के टॉर्चर आते हैं यानी शारीरिक मानसिक यंत्रणाएं आती है, डिमांड ऑफ डाउरी या कम दहेज लाने को लेकर या दहेज की बात को लेकर मारपीट करना है, दहेज प्रताड़ना की धारा के नाम से ये धारा फेमस हो गई। अब क्या हुआ कि ये जो धारा बनी थी इट इज फॉर वुमेन वेलफेयर, यानी इसका मुख्य उद्देश्य बहुत अच्छा था, बहुत ही पवित्र उद्देश्य से लेकर ये धारा बनी थी। और इस धारा का पवित्र उद्देश्य ये था कि ऐसी महिलाओं को जो पीड़ित महिलाएं हैं उन पीड़ित महिलाओं का कल्याण करना, उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना। तो कानून की मंशा ये रही कि इस प्रकार से महिलाओं को पीड़ित होने से बचाना। लेकिन समाज में और ग्रीडी पीपल भी लोग रहते हैं, ऐसे अनेक लालची लोग भी रहते हैं जो इस प्रकार से आचरण करते हैं और महिलाओं को तंग परेशान करते हैं, इनको रोकने के लिए ये कानून बना था। और ये कानून बहुत ही एडमायरेबल माना जा सकता है, प्रशंसनीय और सराहनीय माना जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज जो हुआ उस मिसयूज ने इसके उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ने परेशान कर दिया समाज को। और आश्चर्य की बात है कि महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया कानून महिलाओं के ही खिलाफ होने लगा। इसमें अनेक ननंद, अनेक सास इस झूठी FIR में अंदर होने लगी। तो मिसयूज कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में देखा कि इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लीगल टेररिज्म कहा। एक केस में
कोर्ट ने कहा कि ये तो धारा लीगल टेररिज्म है, यानी कानूनी आतंकवाद है, और अर्बन ये जो शहरी क्षेत्र है, जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, शहरी क्षेत्रों में और पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाने लगा। कुछ महिलाओं ने इसका दुरुपयोग प्रारंभ किया, और इसका दुरुपयोग इसलिए किया अनलॉफुल प्रेशराइज करने के लिए, पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर अनलॉफुल प्रेशराइज करने के लिए, अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए अनुचित दबाव बनाया जाने लगा, झूठी रिपोर्ट की धमकी दी जाने लगी, और एक प्रकार से हथियार के रूप में काम होने लगा। यानी 498 है जो आई थी ढाल के रूप में, लेकिन इसका यूज एक हथियार के रूप में होने लगा। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि इसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कन्विक्शन रेट का मतलब है 498 की जो रिपोर्ट होती है जब न्यायालय में मामला आता है एविडेंस के बाद, इसका जो दोष सिद्धि दर है वो बहुत कम है। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि इसका दुरुपयोग बहुत तेजी से हुआ। अब इससे बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए। जो जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकियां मिल रही है, झूठे दहेज केस के बारे में किसी व्यक्ति को धमकी मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑडियो और वीडियो उसका बना लेना चाहिए। ऑडियो वीडियो बनाकर बतौर साक्ष आपको न्यायालय में भी हेल्प होगी और पुलिस प्राधिकारियों को भी आप दिखा सकते हैं। तो और साथ ही साथ ऐसे बेकसूर लोग जो ऐसी धारा से निकले हैं, वो लोग आगे चल के मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी वाद लगा सकते हैं, मानहानि का केस भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये उपचार हैं जो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है मित्रों, क्योंकि 498 ए में पहले बहुत गिरफ्तारी होती थी, और गिरफ्तारी में व्यक्ति का जो मान सम्मान होता था समाज में, उसका नाम खराब हो जाता था, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसको हम वापस रिकवर भी नहीं कर सकते। तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में न्यायालय ने देखा कि बहुत दुरुपयोग होता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था कर दी कि अब ये इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं होगी, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में लगता है गिरफ्तारी करना आवश्यक है तो गिरफ्तारी की जाएगी। अब बहुत राहत मिल गई, नहीं तो पहले जब ये कानून बना था उसमें सैकड़ों निर्दोष और मासूम लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनका नाम बहुत खराब हुआ है। लेकिन अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के केस के बाद से बहुत राहत मिली है मित्रों। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार की दहेज की झूठी रिपोर्ट के बारे में आपको धमकियां मिलती है, तो उसके ऑडियो वीडियो कलेक्ट करें, और झूठ के कोई पैर नहीं होते। जब न्यायालय में झूठ आता है तो सब पर्दाफाश हो जाता है, और जब ऐसी FIR क्वैश हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो ऐसे कल्प्रिट लोगों को, जिन लोगों ने ऐसी झूठी रिपोर्ट की है, उनको कभी ना छोड़ें। उनके खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियोजन का केस, मानहानि का केस जरूर लगाएं, ताकि कानून का दुरुपयोग करने वाले लोग इन चीज से डरें। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।